सुनो तुम्हारे सीने के अंदर क्या है। तो भाई साहब सुनो, मेरे सीने में श्री राम की जय, श्री राम 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 और जय श्री राम और जय श्री राम। बरस गई थी आंखें 70 साल से ये सुनने को कि देश का युवा जय श्री राम के नारे लगाएगा, तरस गई थी और हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। क्या भाई साहब 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं तो मेरा हिंदुस्तान योगी आदित्यनाथ चला सकता है। 2024 में देखना भारत का मुसलमान ऐसा ही होगा, 40 करोड़ मुसलमान मेरे जैसा ही 2024 में आप देखना, 40 करोड़ का 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ होगा और भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश का 30 करोड़ मुसलमान अगर इला जी की तरह हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे इला जी जो है ना आने वाले टाइम पे जेट प्लेन भी चलाएंगे तो हमें शक नहीं होगा, हमें शक नहीं होगा। मगर मगर कलाम की सोच वाले हैं ये, हमें हमें कसाब की सोच वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। एक बात कह रहा हूँ, 2024 में देखना भारत का मुसलमान ऐसा ही होगा, 40 करोड़ मुसलमान मेरे जैसा ही 2024 में आप देखना, 40 करोड़ का 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ होगा और भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मुसलमान बोलेगा, कोई हिचकिचाएगा नहीं, हमें देश के अंदर प्रेम मोहब्बत भाईचारे से रहना है और हिंदू मुसलमान हिंदू राष्ट्र बना दो। अरे हिंदू राष्ट्र तो ऐसे ही बन गया कि अगर मुलबी कह रहा है मुझे भगवा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है और लोग पूछते हैं मोदी श्री राम, एक मिनट भाई साहब, लोग कह रहे हैं मोदी मैजिक खत्म हो गया, मुझे तो लग रहा है अभी शुरुआत हुई है। अरे भाई सुनो, मेरे को लोगों ने पता क्या बोला, आई वॉन्ट अ योगी। मैंने लोगों को क्या समझाया, मैंने कहा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको, नरेंद्र मोदी अभी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश संभालने दो, एक बेर और क्या, एक बेर और, एक बेर और, एक बेर और, योगी जी हाथ जुड़वा लो, एक बेर और, एक बेर और, एक बेर और, मगर तीसरी बार अब हमसे बर्दाश्त ना होता। अगर मेरे से कोई पूछे ना, अगर कोई पूछे, मैं सीना नहीं फाड़ सकता, नहीं तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे, अगर कोई पूछे ना कि तुम्हारे सीने के अंदर क्या है, सुनो तुम्हारे सीने के अंदर क्या है, तो भाई साहब सुनो, मेरे सीने में श्री राम की जय, श्री राम 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 और जय श्री राम और जय श्री राम और जय श्री राम जय, 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 श्री राम। भाई तरस गई थी आंखें 70 साल से ये सुनने को कि देश का युवा जय श्री राम के नारे लगाएगा, तरस गई थी और हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। क्या हमें इतिहास एक आरोप लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमेशा धर्म का कार्ड खेलते हैं बीजेपी वाले, इसलिए चुनाव एक के बाद एक चुनाव। भाई साहब 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं तो मेरा हिंदुस्तान योगी आदित्यनाथ चला सकता है। और सुनो, आप अपने माता पिता की कितनी इज्जत करते हो, आप अपने माता पिता की कितनी इज्जत करते हो, आप कितनी इज्जत करते हो माता पिता की, कितनी इज्जत करते हो माता पिता की, कितने जितना है, जितना भगवान को मानते हो उतना। अगर मेरे राम के लिए कुछ बोलोगे जिस तरीके से बोला जाता है और महाकाल के लिए बोलोगे तो उई गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। लॉजिकल गवर्नमेंट हो रही है अभी, क्योंकि लॉजिक पे बात होनी चाहिए। आप ही आप नहीं जितने भी क्वेश्चन, भाई हाथ उठाओ, देखो भाई धर्म की बात ठीक है, धर्म का सिक्का चलना चाहिए, ठीक है। पहले ये बताइए आपका नाम क्या है। आलोक नाम है, आलोक। कहाँ रहते हैं आप? मैं द्वारका रहता हूँ, द्वारका मोड़। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, लॉ कर रहा हूँ और एम ए जीएमसी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। क्या दिक्कत है? दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं है। क्या मत आपका? मत मत का ये होना चाहिए, लॉजिक्स पे वोट होनी चाहिए, एजुकेशन की उस पर होनी चाहिए। आप देखिए लास्ट लॉजिस्टिक कोर्स की बात करते हैं, सालों में इस देश में लॉजिक पे वोट नहीं हुआ है, 9 सालों में इस देश में। आप तो एक चीज़ एजुकेट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए एजुकेट? तो फिर क्यों बोल रहे हैं? आपको एजुकेशन क्या दिक्कत होनी चाहिए फिर?
कितने एम्स खुले आप? कितने एम्स खुले? तुम दूसरे को ले रहे हो? लॉजिकल बात करो भाई, लॉजिकल बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लॉजिकल बात नहीं कर रहे हो। एम्स खुले हैं, कितने एम्स खुले हैं? तो भगवान बन जाओ। भगवान, आप तो भगवान की बात करें, धर्म धर्म की बात होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है, धर्म पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन साथ में लॉजिक पे होनी चाहिए। आपके जैसे कि एजुकेशन पे बात नहीं हो रही, आपकी कोई ईडब्ल्यू क्या नाम है, अभी जितना भी लास्ट 4-3 में देखेंगे आप ग्रोथ रेट इंडिया का 7.5 के हिसाब से बढ़ना था। रोज करते हैं बात, लेकिन भाई क्या तुम नहीं सुन रहे हो? तो कोई नहीं कर रहा है, रोज करते हैं, एक दिन आओगे। आज ये टॉपिक चल रहा है, इस पे चल रहा है, आज जीता है, किस मुद्दे पे जीता है? बीजेपी किसी भी मुद्दे पे जीता है, जीत गए। मध्य प्रदेश में इतने सारे काम करे, गिनती नहीं है, इतनी सारी सरकारी योजना निकाली है, वोट राजस्थान और लॉजिक कितने हाईवे आए, तुम्हारा लॉजिक क्या है? इसी से बात मत कर भाई, मध्य प्रदेश में लॉजिक, आप मध्य प्रदेश का, इंदौर का, और इंदौर में बहुत विकास हुआ है, देश में नाम नंबर 1 पे है, तीन सिटी के नाम मामले में 5 साल में बिल्कुल, और नहीं में भी आई नहीं आई है, अभी मोदी सरकार के तौर पे ये जो नीति आयोग का स्टार्ट हुआ है, 2009 में नीति आयोग नहीं था, नहीं आया था, नहीं आया था, ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया है क्लीन सिटी का, वो नीति आयोग 2014 में बना था। चलिए ठीक है, 2014 में मोदी सरकार की क्लीन सिटी बनी है, मोदी सरकार ने हाथ था, अरे सुन लिया, मोदी सरकार ने लॉजिक तेरा 2014 में क्लीन सिटी का मोदी सरकार ने निकाला था, और आज इंदौर में नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में 2014 में स्वच्छता का पूरा हुआ था, और आज महापौर जी हमारी मालिनी गोड़, श्रीमती मालिनी गोड़, जो मालिनी गोड़ जी महापौर रह चुके हमारे इंदौर के, पूर्व महापौर थे, और अभी पुष्पमित्र महार्गव जी है जो हमारे महापौर है, और नंबर 1 पे इंडिया में, क्या मतलब विदेशों में भी हमारे, आप मध्य प्रदेश के हो, मामा ने क्या कमाल कर दिया, कंटिन्यूसली जो जीत के बाद, एक के बाद एक जीत हो रही है। बोले थे मामा इस बार जाएंगे, कांग्रेस वाले दावा कर रहे थे कि मामा इस बार जाएंगे, कमलनाथ बोल रहे कि मामा इस बार जाएंगे, पर क्या मैजिक कर दिया कि मामा की वापसी, इतनी परसेंट बहुमत से जीते, मामा भांजा भांजिया इनका दिल ही ऐसा जीत लिया है कि जाने का कभी नाम नहीं लेना है। और हमारे विधायक जी रमेश मेहनत, कमलनाथ का तो बयान आया था कि हम भी राम मंदिर में, हमारा भी योगदान है, कमलनाथ जी बोल रहे थे, तो लगता है विश्वास नहीं करा मध्य प्रदेश की जनता ने कि कांग्रेस का भी योगदान था राम मंदिर बनवाने। कांग्रेस का इतने साल से शासन था, अभी तक क्या राम मंदिर का एक इतना सा मुद्दा नहीं कर पाई? हाँ, 24 वकील करे थे उनने, 24 वकील क्यों करे थे? हमारे राम मंदिर को हटाने के लिए, पर राम मंदिर कभी नहीं हटेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।